नमस्कार किसान भाई, जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि इससे पिछले मंथ में भी बारिश हुआ था काफ़ी ज़्यादा, और एक वीक दो वीक पहले भी बारिश हुआ था, जिससे उन्ना होशियारपुर और भी कई सारे जगह की आलू की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गया था। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ सबसे बड़ी लेटेस्ट खबर ये आ रही किसान भाइयों कि फिर से बारिश होने की संभावना है। किसान भाइयों, जो किसान भाइयों आलू की बुआई कर रहे, फिर से अगर उसी तरीके से दशा होगा उन्ना होशियारपुर के तरीके से। लेकिन किसान भाइयों, आप सोच समझ कर आलू की बुआई करें, आप रिसर्च करके आलू की बुआई करें, क्योंकि फिर से आ रहा है रिपोर्ट कि फिर बारिश होने वाली है। किसान भाई, 17 तारीख को फिर से 17 से 19 के बीच बारिश होने की फिर से संभावना है किसान भाइयों, और फिर से लगता है कि वही हाल हो जाएगा। और ऐसा न हो तो किसान के लिए बेहतर रहेगा, और ऐसा नहीं हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन मौसम को तो कोई टाल नहीं सकता है किसान भाइयों, फिर भी बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए कि अनुमान लगाया जा रहा है और 17, 18, 19 को बारिश होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है सभी जगह पे। ये आप कहीं से भी पता कर सकते हैं, 17, 18, 19 को बारिश होने की संभावना है। तो जो किसान भाइयों का आलू का जर्मिनेशन हो गया है उनको भी क्षति पहुंचेगा, और जिनका जर्मिनेशन नहीं हुआ है उनको भी क्षति पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि जिनका जर्मिनेशन हो गया उनको क्षति नहीं पहुंचेगा, और आलू के साथ साथ और भी कई सारे फसल के नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अभी तो आलू का समय है, तो आलू तो बिल्कुल तरीके से अगर 17, 18 को बारिश होता है तो फिर से जो ऊना होशियारपुर में और भी कई सारा कन्नौज और भी कई सारा जगह पर बर्बाद हुआ था, फिर उसी तरीके से बारिश होने की संभावना है, और फिर से न कहीं ऐसा हो जाए किसान के साथ, क्योंकि इस बार काफ़ी क्षति देखने को मिला है किसान भाइयों के साथ। ऐसा क्षति नहीं होना चाहिए किसानों के साथ। बहुत इस बार दुखदायी खबर आते ही आ रहा है, केवल आलू में क्षति ही देखने को मिल रहा है किसान भाइयों को। और आलू का भविष्य पर भी वीडियो आया था आज किसान भाइयों, तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप सुन समझ कर आलू की बुआई करें, क्योंकि फिर से ही संभावना है बारिश होने के। और फिर होती है अगर बारिश तो बिल्कुल आलू की क्षति ही होगी और नुकसान ही होगी। और किसान भाइयों कितना मेहनत करके आलू की खेती करते हैं, कितना अच्छी अच्छी खाद देते हैं, कितना मेहनत करते हैं खेती की तैयारी में, और सब मेहनत बर्बाद हो जाता है इस बारिश की वजह से। तो किसान भाइयों के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। तो किसान भाइयों, आज के इन्फॉर्मेशन यही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।